हेलो, वेलकम टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं चांडिल डैम। हम यानी के मैं, पापा, बी, अरकम और सैफ। लेकिन हमने सोचा कि वहाँ जाने के पहले हम थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं, यानी कि कुछ खा पी लेते हैं। तो आप में से जो लोग जमशेदपुर के हैं उन्हें पता होगा कि जुबली पार्क के पास एक गोपाल डोसा वाला है जिसका डोसा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने सोचा कि शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो हम पहले वहाँ जाएंगे, अच्छा सा डोसा खाएंगे और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपना डोसा इंजॉय करते हैं। और ये देखिए, ये जो डोसा वाले भैया हैं ना, इन्होंने इन कबूतरों के लिए दाना डाला है। ये कितनी अच्छी बात है ना। हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हमने भैया को बोला कि भैया फटाफट से हमारे लिए तो आप डोसा बना दीजिए। और भैया के डोसा बनाने की स्पीड के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख लीजिए इनकी स्पीड, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतने स्पीड अगर मैं डोसा बनाने लगूँ तो क्या बात है। और हमारा डोसा जो है ना, ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। भैया अब इसमें डालेंगे मसाला। और ये भैया मसाला डालने के बाद उसे कर रहे हैं स्प्रेड। ये हो गया है क्रिस्पी डोसा रेडी। भैया इन भैया को दे रहे हैं ताकि ये डाल सके इसमें सांभर और चटनी। और उसके बाद इन्होंने ये डोसा दिया सैफ को, लेकिन सैफ ने नहीं खाया, पास कर दिया अरकम को, क्योंकि मुझे और सैफ को खाना था ये सादा डोसा। और एज़ यूजुअल मैं पहले सांभर टेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे ना सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डोसा तो ठीक है मैं खाऊंगी ही, लेकिन पहले मैं सांभर टेस्ट कर रही हूँ कि सांभर कैसा है। और खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। चलिए चलते हैं और इंजॉय करते हैं। और ये देखिए यहाँ की खूबसूरती, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं तो कहती हूँ मैं क्यों बताऊँ, आप खुद ही आइए यहाँ की खूबसूरती देखिए और इसे अप्रिशिएट करिए। इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना ये। हम ना यहाँ सुबह अराउंड, ये इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30 और हम पहुँच चुके हैं। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये इधर से ये पापा, ये भी ना अपने फ़ोन में कुछ कुछ कैप्चर करते हुए। और ये इधर से जनाब अरकम देखते हुए कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है या रुक गई। आई थिंक ये देखिए पानी, इतना अच्छा लग रहा था ना। बस मुझे यहाँ पे एक चीज़ की याद आ रही है फ़िलहाल, वो है गर्मा गर्म मैगी और एक कप चाय की। अगर कोई यहाँ पे दे दे तो क्या बात है। ये देखिए हर कोई अपने फ़ोन पे कैप्चर करते हुए, और ये पापा भी कुछ कुछ फ़ोटोज़ लेते हुए। और ये अब हम ऊपर जाने लगे डैम की तरफ। वो कहते हैं ना कि मज़ा जो है वो सफ़र का है, रास्ते का है, तो सच कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, बस हरियाली ही हरियाली हर तरफ। और ये हम पहुंच गए पिकनिक स्पॉट में, और हम यहाँ करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क। फाइनली हम आ गए हैं चांडिल डैम ऊपर, और अब मैं आपको दिखाऊंगी नीचे का नज़ारा। जो अभी हम जिस ब्रिज पे थे और जिस नदी के पास, वो देखिए यहाँ से दिख रहा है। आई होप कि आप उसे अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे।
यहाँ बस दो ही चीज़ें दिख रही हैं, या तो पानी या हरियाली। और ये जस्ट दूसरी साइड जो है ना, ये कुछ इस तरह का नज़ारा था। ये देखिए, इतना ज़्यादा कुहासा था ना, ये कुछ 7:45 के राउंड हो रहा है, और कुहासा इतना ज़्यादा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा कहीं जाएं और उन्हें चाय ना मिले? अगर चाय नहीं मिलेगी तो वो ढूंढ के पियेंगे। और ऊपर से साथ में अरकम, यानी कि दो दो ऐसे लोग जिन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और दोनों ही अपनी चाय का मज़ा लेना चाहते हैं। और अरकम तो यहाँ साइड में आ गया है अपनी चाय को कम्प्लीटली और पूरी तरह से आई थिंक इन्जॉय करने के लिए। और ये देखिए, ये लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। कितना खूबसूरत है ना ये, जहाँ तक देखो या तो पानी है या तो आसमान। नेचुरल ब्यूटी की बात ही कुछ और है। और ये तीनों यहाँ पे आराम से बैठ के इस पूरे नज़ारे को देखते हुए, आई थिंक उसे प्रेज करते हुए, बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और हम यहाँ बैठे ही थे कि हमने देखा कि बोटिंग शुरू हो गई है, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना बोटिंग एंजॉय करें। तो बस हमने लिया फटाफट से टिकट और पहुँच गए बोटिंग के लिए। लेकिन बोटिंग के लिए बस हम तीन लोग ही गए थे। पापा और अरकम ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ, आप लोग इन्जॉय करो, हम दूर से देखेंगे। और ये सबसे ज़रूरी, क्योंकि तैरना तो हमें आता नहीं है, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये हमने पहन लिया अपना लाइफ जैकेट और हम हो गए हैं रेडी। और मैं ये बैठती हुई हमारा कैप्टन सैफ है और वो बोट को लीड करता हुआ। हाँ सैफ, और ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये अरकम ने अपने मोबाइल से की थी, ये जब हमारी बोट वापस आ रही थी तब की। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी सी क्वालिटी शायद इसकी अच्छी ठीक ना लगे, लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये तराजू लगा हुआ है बीचों बीच में, जो लोग यहाँ से मछली पकड़ते हैं ना, वो यहाँ पे इसे तौल भी सकते हैं। और ये यहाँ पे इस झूले के साथ, खाली झूले के साथ खेलती हुई। और ये है यहाँ का पिकनिक स्पॉट। आप देखिए, सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं और लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और लोग अपने घर से बड़े बड़े बर्तन, हर तरह की सब्ज़ी, फ्रूट, चिकन, हर चीज़ लाए हैं, गैस सिलेंडर आप देख ही सकते हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी पिकनिक और अपने फूड को एंजॉय कर सकें। तो आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ हमारा ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये सफ़र कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।